वैसे तो शिव महापुराण की वायव्य संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ है कि आपने कहीं दान करा, कहीं पुण्य करा, भगवान का नाम लिया, भजन लिया, कीर्तन लिया, स्मरण किया, मंत्र जाप किया या नाम जाप किया, हो सकता है अपने मृत्यु के पहले, अपनी मृत्यु के पहले हो सकता है कि वो मंत्र जाप, वो नाम जाप, वो कीर्तन, वो दान, वो पुण्य, वो कीर्तन, वो भगवान की भक्ति, प्राण छूटते 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 समाप्त हो जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान का किया गया भजन, शंकर भगवान का एक लोटा जल शिव को अगर समर्पित करा है, भजन करा है, कीर्तन करा है, मंत्र जाप करा है या स्मरण करा है, शिव नाम का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, ये सारे जो मंत्र हैं अगर ये जपे हैं या एक लोटा पानी भी शंकर को चढ़ाया है या शिव की कथा को आपने श्रवण किया है, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि सब कुछ हो सकता है कि आपकी मृत्यु के समय पर समाप्त हो जाए, पर शंकर का भजन, कीर्तन, स्मरण, नाम जाप, नाम कीर्तन कभी समाप्त नहीं होता, वो बढ़ता ही चलेगा। आवाज क्लियर नहीं हो रही है? आपका मंत्र जाप, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, ये बढ़ना है, ये घटना नहीं है। गुल्लक में रुपये जमा करते जाओ करते जाओ, बाद में वो गुल्लक का जो धन है ना, वो आपके काम आएगा। आप कभी भी किसी भी समय पर उस गुल्लक को फोड़कर जो आपको लेकर आना है वो आप ला सकते हो। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद जो हम भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, कीर्तन करते हैं, शिव महापुराण का स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवत नाम जपते हैं, ये हमारा करा हुआ कीर्तन, मंत्र जाप, ये पुण्य की गुल्लक में भरा कर चले जाता है। और जब हमारा पुण्य की गुल्लक फूटती है तब जाकर जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण कर पाते हैं। पुण्य की गुल्लक भरा गई तब शिव महापुराण की कथा मिली है। पुण्य की गुल्लक भरा गई तब जाकर गंगा जी का तट मिला। पुण्य की गुल्लक भरा गई तब आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो। पुण्य की गुल्लक भरा गई तब आप इन दो हाथों से दान कर रहे हो। पुण्य की गुल्लक भरा गई तब इन नैनों से आप संतों का, गुरुओं का और भगवान का दर्शन कर रहे हो। ये पुण्य की गुल्लक है। और ये तो 7 दिन का मेला है जी। आज कथा समापन हो जाएगी, विराम हो जाएगी। सब अपनी अपनी धर्मशाला को, कमरे को, होटल के रूम को,
खाली कर कर जाना है। जितनी आपके पास में पूंजी है, धन जितना जोरदार है, हरिद्वार में व्यवस्था उतनी जोरदार। ₹50 का भी गद्दा और रजाई मिल जाएगा, और कहीं पर धर्मशाला में दरी में आप ₹50 में सो सकते हो। बोलो सही है कि गलत है? ₹100 का कमरा भी यहाँ मिल जाएगा, आप ₹100 में भी किसी हॉल के अंदर जाकर सो सकते हो। ₹500 का कूलर का रूम भी मिल जाएगा, आप किसी कूलर के रूम में जाकर सो सकते हो। और 5,000 का, 4,000 का, 3,000 का, रोज के हिसाब से 8,000 का भी, और कहीं कहीं तो 15,000, 20,000 का भी रूम मिल जाएगा, जब बहुत अच्छी अच्छी एसी और अन्य व्यवस्थाएं मिल सकती है। कैसे मिलेगा ये सब? हैं? तुम्हारी जेब में 2,000 के नोट की एक गड्डी रख लो और सारी व्यवस्था अपने आप तुम्हारे सामने होती रहेगी। बस एक नोट की गड्डी तुम्हारी जेब में होगी तो होटल में रूम भी अच्छा मिलेगा, वेटर भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, और तुम्हारा सामान उठाने के लिए वर्कर भी मिलेगा, गाड़ी पे चढ़ा भी देगा, उतार भी देगा। क्या होना चाहिए? अरे बोलो जमके। बस जेब में अगर गड्डी फंसी है तो फिर सब काम हो जाएगा। उसी तरह अगर हृदय में संकर फंसा है तो बेकुंठ का धाम भी मिल जाए। ये जेब में गड्डी और हृदय में संकर। जेब में अगर गड्डी होगी तो तुम जंगल में भी चले जाओ तो मंगल हो जाएगा। हे जाओ जरा हमारे लिए लेकर आओ, लो ये ₹2,000 पकड़ो, पानी की बोतल लेके आओ, चाय लेके आओ, कॉफी लेकर आओ, ये लाओ वो लाओ। अगर गड्डी जेब में है तो सारा ठाट तुम्हारे सामने होगा। उसी तरह शिव तुम्हारे भीतर है तो सारी दुनिया का ठाट तुम्हारे सामने होगा। तुम्हें घबराना नहीं। दुनिया का सारा ठाट तुम्हारे साथ, केवल एक ही चीज आपको रखना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। बस शंकर का मंत्र, शिव की कथा, शिव का स्मरण, शिव भक्ति, शंकर का अनुमोदन, यह हमारे भीतर होना चाहिए। धन होता है ना तो अभिमान झलकता है। बोलो सही है कि गलत है? थोड़ा बहुत अगर पैसा ज्यादा होगा ना तो ये चेहरे से अहंकार झलक जाता है, उसकी वाणी से, उसके स्वरूप से, उसके कहने से अभिमान झलक जाता है। जेब में अगर धन है तो अभिमान झलकता है, हृदय में अगर शंकर है तो भक्ति झलकती है, संस्कार झलकता है, उसका प्रेम, उसकी आप भगवान की भक्ति तो धारण करो, आप भगवान का भजन तो धारण करो, आप भगवान का स्मरण को धारण करो। वो भक्ति, वो प्रेम, वो करुणा, वो वात्सल्यता, वो स्नेह आपके सामने झलकेगा। अपने आप झलकने लगे, फिर उसको झलकने में देरी नहीं लगी। क्यों?
इतने समय से आप शंकर जी की पूजन कर रहे हो, इतने समय से शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, इतने समय से शिव जी की आराधना कर रहे हो, तो इतने समय से शंकर जी ने आपकी क्यों नहीं सुनी? क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, एग्जाम दे भी रहे हैं, पर अच्छे नंबर से पास इसलिए नहीं हो पा रहे, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर हम लिख रहे हैं उसको दिल से नहीं लिख रहे। हमने किताब में से पढ़ा, पढ़ के आया और उस उत्तर को जैसे सर ने याद दिलाया था, टीचर ने याद दिलाया था कि इसका ऐसा लिख देना, इसका ऐसा लिख देना, बस हमने वो टीचर के कहने पर हमने केवल उतना ही लिखा जितना हमको सिखाया गया था। अलग से हमने उस उत्तर में कुछ भी नहीं लिखा। और एक एग्जाम देकर देखना, एक एग्जाम में बैठकर देखना और दिल से उत्तर देकर देखना, रिजल्ट भी दिल से ही देने वाला देगा। दिल से जिस टीचर के यहां आप ट्यूशन जाते हो ना, जिस टीचर के यहां आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, कभी कभी परीक्षा हॉल में उस टीचर की ड्यूटी लग जाती है, तो आपको निर्विघ्नता हो जाती है कि अब मेरे टीचर हैं, मेरे केमिस्ट्री के सर खड़े हैं, प्रोफेसर खड़े हैं, मेरा फिजिक्स का सर खड़ा हुआ है, प्रोफेसर खड़ा हुआ है, मेरा टीचर खड़ा हुआ है मेरे साथ में, मेरे सम्मुख में वो खड़े हैं। अब निर्विघ्नता, फिर आपके मन में ये आ जाता है कि अब मुझे डरने की बात नहीं, मेरा टीचर खड़ा हुआ है, अब मेरा टीचर खड़ा हुआ है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह एक बच्चा परीक्षा के हॉल में अपने पढ़ाए हुए टीचर को देखता है तो उसको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। उसी तरह आप जब जब किसी काम के लिए जाओ, कितना भी कंपटीशन के लिए जाओ, कितना भी आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हो, आप कितना भी परेशान हो जिंदगी से, अगर कोई शंकर जी का मंदिर दिख जाए तो समझ लेना कि मेरा टीचर मेरे साथ में है, तो अब टेंशन नहीं, अब मुझे नहीं सोचना। और ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर क्या कहता है, तुझे जो आता है वो लिख दे, पेपर देना तेरा काम है, परीक्षा देना तेरा काम है, एग्जाम देना तेरा काम है, अच्छा पढ़ के जा और एग्जाम अच्छे से देकर, परीक्षा देना लिखना तेरा काम है, उसके बाद जब एग्जाम दे दे फिर तेरा काम खत्म हो जाता है, फिर टीचर का काम रहता है। और टीचर कहता है कि घबराना नहीं, टीचर कह रहा है घबराए नहीं, टीचर कह रहा है तू पढ़ाई कर, तू लिख, बाकी का टीचर कहता है रिजल्ट बनाना मेरे हाथ में है, फिर मैं जो रिजल्ट बनाऊंगा वो दुनिया देखेगा। तू अपना कर्म करे, तू अपना काम किया जा, तू अपने कर्म में डूबे जा, तू अपना कर्म कर, कर्म कर। इसके बाद फिर मेरी मर्जी है, फिर मेरा विचार है, मेरी सोच है, मेरी बुद्धि है, मेरा चित्त है, मेरी वृत्ति है, बस एक काम जरूर करना है, बुरा कर्म मत करना, किसी का दिल मत दुखाना। और यदि दिल दुखाकर यदि हमने थोड़ा इकट्ठा भी कर लिया ना, दिल दुखाकर यदि हमने थोड़ा एकाग्रित भी कर लिया तो वो किसी काम का, फिर उसमें कोई सुख की अनुभूति नहीं है हमारा, उसमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं है।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना लानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसको हमें व्यर्थ नहीं देना। भजन के मौके कम आएंगे और कपट के मौके ज्यादा आएंगे, ईमानदारी के मौके कम आएंगे और बेईमानी के मौके ज्यादा आएंगे, सत्य बोलने के मौके कम आएंगे असत्य बोलने के मौके ज्यादा आएंगे, छल के करने के मौके दुनिया के लोगों को बहुत मिल जाएंगे पर निश्चली होने के मौके बहुत कम होंगे। और जब विश्वास दृढ़ता दृढ़ी हो जाता है तब जीवन का अपने आप सुख प्राप्त हो जाता है। आपकी निश्चलता, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास बस पक्का होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा में उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छटी नाम कटी जावागी। आपने दिल से उसको रिझाया तो उसने दिल से दिया, आपके भजन का फल आपको मिल गया। और सुन लो, उत्तराखंड की इस पावन धरा पर हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा हरिद्वार मायापुरी में आप सब सुनकर जा रहे हो। जितने लोग भी श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल से सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, और जितने इस पावन प्रांगण में सुनकर जा रहे हो, चाहे वो जजमान परिवार के हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, और जितने आप बैठे हो, जितने लोग सुनकर जा रहे हो, दिल से शंकर भगवान से अगर लगन लगाकर मन लगाकर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है तो तीन महीने में आप खुद फोन कर बोलोगे कि गुरुजी मेरा ये कार्य हो गया। ये पत्र, ये पत्रों का ढेर है और ये बाकी के ये पड़े हुए, ये कुछ सहज नहीं कि हमने कहा और आपने लिख दिया। आपका प्रेम है, आपका आपके ऊपर जो शिव ने कृपा करी है, आपने जो शंकर जी की भक्ति करी और उस भक्ति में जो विश्वास जागृत हुआ है, उस भक्ति में जो बल जागृत हुआ है, उस भक्ति के बल से प्राप्त हुआ है। मीराबाई भी तुम्हारे जैसी थी, कर्माबाई भी तुम्हारे जैसी थी, नामदेव जी भी तुम्हारे जैसे थे, रामकृष्ण परमहंस भी तुम्हारे जैसे थे, संत तुकाराम भी तुम्हारे जैसे थे, चैतन्य महाप्रभु भी तुम्हारे जैसे थे, स्वामी विवेकानंद भी तुम्हारे जैसे थे, रामकृष्ण परमहंस जी भी तुम्हारे जैसे थे, कर्माबाई मीराबाई ये जितने जितने भक्त हुए सब अपने जैसे ही तो थे। बस उनने करा क्या, उनने क्या करा, भगवान कृष्ण की मूर्ति को मीराबाई ने पत्थर की नहीं माना, लकड़ी की नहीं माना, उसमें भगवान गिरधर को देखती थी, कर्मा ठाकुर जी में अपने गोपाला को देखती थी, संत तुकाराम हरि विठल में नारायण को देखते थे। तो आपसे भी तो वही कर रहे हैं कि आप भी मीरा, आप भी कर्मा, आप भी तुकाराम, आप भी रामकृष्ण परमहंस, आप भी स्वामी विवेकानंद हो, हमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, बस उन्होंने विश्वास पक्का कर लिया था इसलिए
भगवान उनको दर्शन देने आते थे और हम विश्वास पर डोल जाते हैं इसलिए भगवान नहीं मिलता। तुम विश्वास पक्का करना, भरोसा प्रबल करना सीख जाओ कि मुझे तारेगा तो शंकर और मारेगा तो शंकर, फिर देखो शिव साथ ले। फिर शिव साथ ले, तारेगा भी शिव और मारेगा भी शिव। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते झूठा है संसार हमने देख लिया। पक्का एक एक शिव है, केवल एक शिव। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। हे बाबा, दुनिया में मुझे किसी का भरोसा नहीं, किसी का विश्वास नहीं। कब कौन धोखा दे जाए, कब कौन आपको धक्का दे जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर एक बात याद रखना, दुनिया के लोग दुनिया आगे क्या लिखा इसके दू, दू का मतलब अरे जम के तो बोलो दो, दुनिया के लोग मतलब दुनिया मतलब दू का मतलब है दो, और निया मतलब दो तरह के लोग संसार में हैं, एक तरह के नहीं। अगर संसार में सब अच्छे अच्छे हो जाते तो भजन कौन करता, सत्संग कौन करता, संकीर्तन कौन करता। कोई आपका दिल दुखाने वाला अगर पैदा ही नहीं होता तो तुम शिव महापुराण में कौन चले जाते। सबको बैकुंठ मिल रहा होता तो यहां गंगा नहाने कौन आता। दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है, अच्छे और बुरे। और भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दो तरह के लोगों को भेजता है, भगवान भेजेगा। अगर परमात्मा ने आपको जन्म दिया है तो ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में भगवान ने एक बार संभलने का मौका नहीं दिया। आप संभल गए, संसार में ऐसा कोई भी जन्मा जिसको भगवान ने एक बार मौका नहीं दिया। अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे, अच्छी जगह पर नौकरी मिल रही हो, अच्छी जगह पर काम मिल रहा हो, अच्छी जगह पर कार्य कर रहे हो, सत्संग से लगे हुए हो, दान धर्म में लगे हुए हो, पुण्य में लगे हुए हो, सत्कर्म में लगे हुए हो, कोई गुरु जन की संत जन की गौशाला आदि भगवत स्मरण की सेवा में लगे हुए हो और वहां पर मालूम पड़े तुम्हारा मन नहीं लगा और तुम वहां से हटकर दूसरी जगह चले गए, फिर व्यसन में डूब गए, दोस्त मिल गए, गलत संगति मिल गई, आड़े टेढ़े मिल गए, अपशब्द कहने लगे, ताने देने लगे और
उन्होंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पर भगवान एक मौका प्रत्येक मनुष्य को देता है कि मैं तुझे अच्छी जगह पर भेज रहा हूँ, अच्छी जगह पर लगा रहा हूँ, सत्संग में लगा रहा हूँ, तुझे शिव महापुराण में लगा रहा हूँ, तुझे भजन में लगा रहा हूँ, उतनी देर तू सेवा में लग जा। तुझे अच्छी जगह पर भेजा है वहां की तू नौकरी में लग जा, वहां की सेवा में लग जा। अगर तू अच्छी जगह लगा रहा तो ये भी पक्का है कि मैं तुझे अच्छी जगह तक पहुंचा दूंगा, सतमार्ग तक लगा दूंगा। और अगर तुझे वो नहीं जमा, अच्छी संगत नहीं जमी, अच्छे लोग नहीं जमे, कोई आश्रम, कोई गौशाला, कोई सेवा, कोई सत्संग, कोई संकीर्तन, कोई मंदिर, कोई देवालय, या कोई अच्छे लोगों से तुम्हारी नहीं बनी, तो फिर जब तुम अच्छे लोगों से नहीं बनती तो बुरे लोगों से तुम्हारी संगत होने लगती है, बुरे लोगों में बैठने लगते हो, मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, फिर ताली थाली और प्याली ये तीन मित्र बनना चालू हो जाते हैं। संग में होटल में खाने वाले, मदिरा की दुकान पर ले जाकर पिलाने वाले और ताली बजा बजा कर तुम्हारी प्रशंसा करने वाले, ये मित्र तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी नाश कर देंगे। धीरे धीरे प्रशंसा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, खूब तरह से अच्छा करा तूने, मां से काम छोड़ दिया, अच्छा करा तूने, ये कर दिया, अच्छा करा तूने, वो करा, प्रशंसा कर कर फिर उसको ले जाएंगे होटल में, होटल में खिलाने की आदत डालेंगे, फिर उसको ले जाएंगे मदिरा की दुकान पे, मदिरा पिलाने की आदत डालेंगे, धीरे धीरे उसको बर्बाद कर देंगे। भगवान सबसे पहले संसार के लोगों को अच्छे लोगों से मिलाता है, जब वो अच्छे लोगों से उसकी नहीं बनती तो फिर बुरे लोगों में ले जाता है, और बुरे लोगों से जब बनना चालू हो जाती है तो बर्बाद कर देता है। ये जितने नवयुवक हैं, जितनी बेटियां, जितने बेटे कथा सुन रहे हैं, इनसे निवेदन करूंगा, एक मौका मेरा परमात्मा, मेरा शंकर आपको भी देगा, मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को, युवाओं को, मेरा शंकर एक मौका जरूर देता है कि तुम सत मार्ग की ओर आगे बढ़ना, अच्छे से लगे रहना, अच्छे के साथ लगे रहना, तो तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी बना दूंगा। अब देखो, सीधा हाथ और उल्टा हाथ, इनमें सबसे अच्छा हाथ कौन सा होता है? जम के बोलो जरा, सीधा। एक बार ये उल्टे हाथ को बड़ा बुरा लगा, इसने कहा हमारा तो कोई काम ही नहीं है, दान करो तो इससे, पुण्य करो तो इससे, भजन करो तो इससे, सत्संग करो तो इससे, है भगवान का श्रृंगार करो तो इससे, फिर भगवान ने हमको पैदा ही क्यों करा? ये उल्टा हाथ एक दिन भगवान विष्णु के पास पहुंच गया कि हमारा जब काम ही नहीं है तो तुमने हमें पैदा क्यों करा? हमारा हाथ काट काट, हमें उल्टे हाथ से कोई मतलब ही नहीं है, सब सीधे हाथ से करना, सब काम सीधा सीधा करना, तो फिर इसका मतलब क्या, इसका क्या करूं मैं? लोग मुझसे नफरत करते, पूजन करने बैठते तो पंडित जी बोलते उल्टे हाथ से मत करना, मंदिर जाओ शंकर जी को जल चढ़ाना तो क्यों उल्टे हाथ से मत चढ़ाना, कोई भी काम करो तो उल्टा काम मत करना, मैं इतना बुरा हूं तो मैं क्या करूं तुम बताओ? मैं भी इसके जैसे बनना चाहता हूँ, मैं भी इस सीधे हाथ जैसा होना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो किसी भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा तू कहीं मत जा, एक बार कथा में जाकर बैठ जा, और कथा में जाकर बैठे तो किसी गुरु जी से पूछ लेना कि मेरे इस हाथ का मुझे क्या करना है। तो कथा में जाकर बैठा, कहीं शिव पुराण में जाकर बैठ गया तो गुरु जी ने कह दिया एक काम कर, जब सीधा हाथ दान करे तो तू इसको टच कर लेना, तेरा भी कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। जब ये सीधा हाथ पुण्य करे, दान करे, सत्कर्म करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, आरती करे, जो कुछ करे, इसको टच करना चालू कर दे तो तू उल्टा भी सुल्टा हो जाएगा, तेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में उल्टा कुछ हो रहा है, बेकार कुछ हो रहा है, अच्छा हो ही नहीं रहा, उल्टे हाथ की तरह तुम्हारी जिंदगी चल रही है, नरक जैसा जीवन जी रहे हो, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, तो एक काम करना जो सीधा चल रहा हो, सत्संग में चल रहा हो, भजन में चल रहा हो, कथा में चल रहा हो, उसको टच कर कर तुम भी चले जाओ, बस सीधा काम होने लगेगा अपने आप उल्टा। पर तुम इतने उल्टे, हरिओ जगदम्बा, इतने उल्टे कि तुम्हें सीधा तो अच्छा ही नहीं लगता, क्या करें मैं कथा में जाके? बस ईवर वाले महाराज का तो रोज का काम है कथा वाचना, कथा 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 कथा, कितनी सुनेंगे? उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज शिव महापुराण जरूरी है, शंकर की कथा प्रतिदिन जरूरी है। सुनो,
डॉक्टर में धन नहीं लगाना हो, पुलिस में धन नहीं लगाना हो, डब्बे में शेयर मार्केट में गोलमोनी करना हो, धन को सही जगह लगाना हो, शरीर को सही जगह लगाना हो, तो शिव महापुराण की कथा सुनो, प्रतिदिन सुनो। दिन में नहीं सुनो तो रात में सुनो, रात में नहीं सुनो तो सुबह सुनो। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो रोज प्रतिदिन शिव पुराण की कथा सुनती हो? वाह वाह, बहुत बढ़िया, रखो सुनना चाहिए। ज्यादा 3 घंटे की नहीं सुन सकते, आधे घंटे की सुनो, आधे घंटे की नहीं सुन सकते तो 2 मिनट की सुनो। यहाँ तो सीधी सीधी बात की ना कि मानव का शरीर मिला है और भगवान ने कहा 24 घंटा भजन कर, 24 घंटा नहीं कर सकते तो 12 घंटा कर, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, पर भजन जरूर करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, पर भजन जरूर करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चिल्लू भर पानी में डूब मरो। इतना बड़ा मनुष्य का शरीर दिया भजन करने के लिए और 1 मिनट भी निकाला? अरे उतना भी समय जाने दो जितनी देर में तुम लाइन खींचती हो ना और डब्बा भरती हो, बस उतनी देर जितनी देर तुम कांच में खड़ी रहती हो, लाइन खींच के डब्बा भरो, वो जो दो धागे से वो एक डायरी में चढ़ाओ कि मैं दो धागे से इतनी देर तक मैंने ऐसा ऐसा कुछ करवाया था, तो उसमें इतनी बजे कुर्सी पे बैठी थी, इतनी बजे उठी थी, और ये पेंसिल से लाइन खींचने में डब्बा भरने में इतनी देर लगी, फिर नैनो में वो ऐसा कजन कौन सा कलर का, काला कलर का था, ऐसी ये है ना ये पुतली, इसमें भी ऐसा ऐसा कुछ करती रहती है बीच बीच इसी हो, तो उसमें इतना समय लगाया, और यहाँ नीला पोतने में, यहाँ गुलाबी पोतने में मैंने इतना समय लगाया, और 3-4 बार तो मैंने पटली लेके यूं देखा है, तो उसमें इतना समय लगा। ये सारा समय लिख लो, और सारा समय लिखकर जितना एक दिन में तुम श्रृंगार में समय लगाते हो उतना समय तुम उतना ही समय मेरे शंकर में लगा दो, कल्याण निश्चित है, उतना ही बस, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। क्या विचार है? अरे बोलो तो। अरे भाई, जाओगे चाहे आप जाओ चाहे कोई भी जाए, कोई भी, चाहे हम जाए आप जाए, जाने वाला तो सबको जाना है एक दिन, पर सब तिजोरी का माल तिजोरी में, अलमारी का अलमारी में, और सब पड़ा रह जाना है, सब पड़ा। सब पड़ा है, कोई बात नहीं, समापन है। स्किन नहीं चल रही वहां की, एलईडी चालू कर भाई, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट वाली एलईडी चालू कर। शिव कृपा हो, शंकर का भजन हो, स्मरण जितना दे सकते हो दो मेरे शिष्य। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में, जो जग मेरा तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष
समर्पित हूँ करतार तुम्हारे। बस बहुत, उससे ज्यादा नहीं। महाराज गंगा के घाट पर हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा हरिद्वार मायापुरी से सुन रहे हो। गंगा मैया के जल से कुछ सीख कर जाना ऊपर से बहकर आती है, कलकत्ता तक जाती है। पूरे जल में कहीं पर भी नहा लेना, स्नान कर लेना, ठंडा ही पानी मिलेगा, शीतल ही मिलेगा, भले कलकत्ता में जाकर नहा, भले उत्तर प्रदेश में कहीं जाकर नहा, शीतल ही मिलेगा, ठंडा ही मिलेगा। शीतल मिलेगा, ठंडा मिलेगा। और एक ऊपर से बहकर आ रही है, कलकत्ता तक बहकर जा रही है, उसका बहाव कहीं नहीं रुका। दुनिया के लोगों ने डैम बना बना कर भी रोकना चाहा, तो भी वो पास में से निकल कर चली गई, पर रुकी नहीं है। उसी तरह गंगा जैसी शीतलता अपने मस्तिष्क में रखो और कर्म के प्रति दौड़ते रहो, उसमें रुकना नहीं है। फल तो परमात्मा दे ही देगा, आप कर्म करते हो, फल तो देगा। करते महाराज, भगवान शिव की कृपा करुणा, भगवान शंकर की कृपा हो, शीतलता हो एक मस्तिष्क में, मर्दा परिवार से निवेदन है, एलईडी वाले को फोन लगाइए, उधर खिलड़ी चालू करवाइए पब्लिक के लिए। शीतलता अपने मस्तिष्क में जरूर रखिए, और जब मस्तिष्क में शीतलता रहेगी तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अपने महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान देवदेव महादेव के नेत्र बंद करने पर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर था। उस अंधकासुर को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, हिरण्याक्ष ने गोदी में झेल लिया, हिरण्याक्ष ने गोदी में झेला, और वो बालक हिरण्याक्ष जब मर गया, प्राण छूट गए, तब वो बालक ने ब्रह्मा जी का तप कर ब्रह्मदेव से वर मांगा कि मेरे प्राण ना छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर हम नहीं दे सकते, प्राण तो छूटेंगे, तो वर मांगा अगर मैं मरूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं उस दिन मेरे प्राण छूटें, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक माता से मतलब नहीं है, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है ये भी भारत माता है। जिस भूमि पर हमने जन्म लिया ये भी भारत माता है। अंधकासुर ने वर मांगा था कि मैं जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। शिव महापुराण कहती है जिस दिन
दुनिया के लोग इस भारत माता को अगर गलत दृष्टि से देखेंगे तो उनके भी प्राण छूटना निश्चित ही है। अगर अंधकासुर ने कहा कि मैं गलत दृष्टि से अपनी माता को देखूं तो प्राण छूटे, संसार का मनुष्य अगर भारत की भूमि को, भारत माता को गलत दृष्टि से देखता है तो उसके भी प्राण छूटना निश्चित है। एक भजन, एक कीर्तन, एक स्मरण, एक मंत्र जाप, एक नाम जाप, एक आपके द्वारा किया गया दान पुण्य स्मरण, भगवत स्मरण, शिव नाम, भगवान की भक्ति, ये आपके सम्मुख में आती जरूर है, मिलती है। एक पत्र में लिखा है, मैं संगीता गोयल पानीपत हरियाणा से हूं। लिफाफे पे लिख दिया रे दादा, लिफाफे पे लिखा है पत्र, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संगीता गोयल पानीपत हरियाणा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। इन्होंने बैठी है क्या कहीं है? अच्छा लास्ट में है क्या? ठीक है, हाथ हिला दो जी जी, हमें तो नहीं दिख रहा है। अच्छा उधर हो क्या? खंबा में अड़ी गई हो, ठीक है। हाँ अब दिख गई, दिख गई हो, जय हो, जय हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, मैं संगीता गोयल पानीपत हरियाणा से हूं। गुरुदेव आपने लोगों की समस्याओं का निवारण बहुत कर दिया, जो आप छोटे छोटे उपाय बताते हो उससे भक्ति भी जाती है और कार्य भी होता है। हमारे यहाँ एक काम वाली आती है, उसके यहाँ 10 साल से संतान नहीं हुई। गुरुदेव जब 10 वर्ष से उसके यहाँ कोई बेबी नहीं था, संतान नहीं थी, तब कथा चल रही थी टीवी पर, उस दिन लेट आई और गुरुदेव कुछ देर की उसने कथा सुनी। उस दिन कथा का पहला दिन था और आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था। वो प्रयोग उसने सुना, मुझसे लिखवाया, लिखकर दिया और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि आज मेरे यहाँ काम करने वाली भाई का 4th महीना चल रहा है जो 10 साल से नहीं हुआ। ये शिव कथा है, बैठो बहन, हर हर महा, ये शिव करुणा, ये शिव कृपा। एक किसी ने पत्रिका में और पत्र लिखा, पहले तो शादी की पत्रिका आती थी जीमने के लिए। लक्षदीप जी यहां से, महावीर प्रसाद जी, लीना भारती जी हैं मुजफ्फरनगर से, कहीं बैठी हैं लीना भारती जी मुजफ्फरनगर से, आप ही हैं, ये आप ही ने भेजा है, बहुत जोरदार है जी, बहुत जोरदार, ठीक है। इसमें लिखा है गुरुदेव 6 महीने से मेरा लेफ्ट का हैंड बहुत तकलीफ में था, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था पर उसमें आराम नहीं थी, रात रात भर सोने भी नहीं पाती थी, सब कुछ कराया पर आराम नहीं लगा। तब शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुन ली और उसमें एक चावल का दाना चढ़ाकर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना था, वो उपाय करा, आज मैं 90% ठीक हो गई और कथा में बैठकर कथा श्रवण कर रही हूं। ये शिव कृपा, बैठिए दीदी, बैठिए, हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसे, उसमें कोई छल नहीं है। आप जब चाहें एक लोटा पानी शंकर जी के मंदिर में जाएं
और शिव के मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं। अब अच्छा, कई लोग पूछते हैं गुरुजी शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाने का, जल चढ़ाने का समय क्या होना चाहिए। वैसे तो अब अगर पूछे तो मंदिर के जो पंडित जी होते हैं, ब्राह्मण जन होते हैं, उन्होंने एक नियम बना दिया कि ये समय पर जल मत चढ़ाओ या इस समय पर जल चढ़ाओ। पर शंकर जी के लिए शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि शंकर जी को इस समय जल नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि शंकर तुम्हारे घर के माता और पिता हैं, पृथ्वी का देव है महादेव, और बच्चे को कब दुख आ जाता है, कब बाप के पास जाना पड़ जाए कोई समय निश्चित नहीं है। माता पिता के पास जाने का समय निश्चित नहीं होता कि कौन माँ ऐसी बैठी है इस पंडाल में, कौन माता आस्था चैनल पर ऐसी कथा सुन रही है, और कौन माता ऐसी है जो मोबाइल पर कथा सुनकर ये कहती है अपनी औलाद से कि मेरे कमरे में आना तो सवेरे बस 9 बजे तक आना, उसके बाद मेरे कमरे में कोई मेरा बेटा बेटी नहीं आएगा। है कोई माँ ऐसी, कोई माता बेटी ऐसी जो अपने बच्चे से कहे, कोई बाप अपने बेटे से कह दे ऐसा कि सुन मेरे कमरे में मेरी गोद में आना तो केवल 9:15 पर आना, 20 मिनट आए तो उतार दूंगा। है कोई पिता ऐसा, मेरे पास आना तो केवल 10 बजे तक आना, 11 बजे तक आना, इसके बाद मत आना। कोई माँ बाप अपने बच्चे को अपने कमरे में आने के लिए मना नहीं करते। रात भर बेटा, बहू, परिवार के लोग अपना कमरा भले बंद कर सो जाएं, पर घर के बुजुर्ग, घर का बड़ा कमरा खोल कर सोता है कि बच्चों को कब जरूरत पड़े। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा कमरा खोल कर सोता है, इसलिए घर के बुजुर्ग ज्यादा कमरे में नहीं रहते, वो तो हाल में बैठे रहते हैं, सोफे पे बैठे रहते हैं, हाल में बैठकर टीवी देखते रहते हैं, हाल में बैठकर अगर उनको कुछ खाना है हाल में, कहीं काम करना है हाल में, वो रसोई घर में भी जाना पसंद नहीं करते। घर के बुजुर्ग वो तो कह रहे बेटा लिया हाल में, टीवी में कथा रही महाराज की, मैं यही सुन लूंगी, मैं यही खा लूंगी, और जाने पसंद नहीं करते, हाल छोड़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटी भी आएगी, बेटा भी आएगा, रिश्तेदार भी आएंगे, बड़ी बहू के रिश्तेदार, छोटी बहू के रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, कबीला, बहन, मौसा, मौसी, मामा, काका, सब हाल में आएंगे, तो मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे कमरा नहीं भाता। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव घर का वो बुजुर्ग है जिसके लिए कोई समय नहीं, तुम्हारा मन बड़े तप चलता शंकर के मंदिर में। हाँ, मंदिरों में अब पहले सारे मंदिरों का नियम था, मंदिरों में दरवाजे भी होते थे, केवल एक ही मंदिर तो था जिसमें दरवाजे नहीं होते थे। शंकर के मंदिर में ना तो कपट है ना पट है, शिव के मंदिर में ना कपट होता था ना पट होता, पट मतलब दरवाजा भी नहीं होता था और कपट भी नहीं होती थी, वो तो आराम से ओट ले पर। अभी तुम गंगा के घाट पर जाओ, सारे मंदिरों में जाना, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के भगवान बैठे होंगे, मंदिर का दरवाजा बंद होगा, उन पे तुम एक लोटा पानी चढ़ा के बता, चढ़ाओगे? वो पंडित जी को देखा, गंगा की 60 डुबकी लगवा दे, क्योंरी तूने राम जी पे पानी चढ़ा दिया, देवी जी पानी चढ़ा दिया, इतनी अच्छी ड्रेस खराब कर दी तूने, ये कर दिया। और वही गंगा के घाट पर, घाट के ऊपर शंकर जी आराम से शिवलिंग रखा हुआ, आराम से तू जब नहाए तब भर ला, जा दिन में नहाए तो दिन में, रात में नहाए तो रात में, तू जब गंगा नहाए तब एक लोटा पानी उंडेल के चल जा। शंकर जी के मंदिर में कोई पट नहीं, उनको कोई कपट नहीं, उनको कोई झंझट नहीं, वो तो अब नियम हो गया कि इतनी बजे तक पानी चढ़ा, इतनी बजे तक जल चला, इतनी बड़े अभिषेक मत करना, इतनी बजे ये मत करना। शंकर के अनुष्ठान, शंकर की पूजन, शिव का स्मरण, तुम्हें जब याद करना हो अपने माँ बाप को तब कर दो, वो आएगा, तुम्हारा कार्य सफल कर जाएगा, उसको याद। माता पिता के पास में समय नहीं। और एक बात और कहूंगा, शिवरात्रि के दिन, दिन भर से लेकर रात भर तक शिव का अनुष्ठान हो सकता है। शिव का अनुष्ठान भजन करो, करो इस तलाम के आसपास के हों,
वो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रतलाम की कथा आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं और रतलाम में भी श्रवण कर सकते हैं। इतनी कथा कोरोना महामारी के अंतर्गत बाची पर बैसाख की शिवरात्रि की कथा आज तक नहीं बाची। तो मन है रतलाम में जो कथा होगी उसका नाम बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा हो, क्योंकि 23 तारीख से कथा चालू हो रही है रतलाम में, 29 तारीख को विराम हो रही है और 29 तारीख को ही बैसाख महीने की शुक्रवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है। ये 29 अप्रैल को बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़ेगी। जो जल आप लोगों को चढ़ाना, और केवल ये नहीं कि बीमार आदमी ही चढ़ाएगा, धन के लिए, संपदा के लिए, बच्चों की विद्या के लिए, घर में कोई बीमार ना पड़े उसके लिए मट्टी के पात्र का जल ताम्र पात्र में डालकर अपने घर से बाबा का नाम लेकर घर में जो सदस्य हो सबको कह दो एक लोटा पानी आज शिवरात्रि के दिन समर्पित कर कर बाबा को रिझा लो, ये जीवन का सुख प्राप्त हो। रिझाओ। और बैसाख महीने की शिवरात्रि का क्या महत्व होता है रतलाम की कथा में सब सुनो। बैसाख महीने की शिवरात्रि पर क्या क्या करना चाहिए, बैसाख महीने में हमें शंकर का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, किस चंदन में क्या चीज मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दिया जाए कि शरीर पर जो सफेद रोग हो जाता है, काया सफेद हो जाती है या काले काले चट्टे पड़ जाते हैं शरीर पर या घाव पड़ जाते हैं शरीर पर, वो कैसे मिट सकते हैं, वो तक वर्णन शिवरात्रि की उस कथा में आएगा। बैसाख आप करो, उधर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ है, भोजन नहीं बच रहा हो, एसिडिटी होती हो, तकलीफ आती, तो उसमें बैसाख के महीने में शंकर भगवान को क्या चढ़ाएं और मंदिर की चौखट पर बैठकर उसको क्या खा लिया जाए जिससे उधर की परेशानी जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाए, वो रतलाम की कथा बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण श्रवण। सुख है जीवन, शुक्रवार के दिन 29 अप्रैल को बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़ेगी, एक लोटा पानी शिव जी को उसमें बेलपत्र डालने के बाद हेड में उस जल को या कोई मट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल लो, उसको ले जाकर चढ़ा। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर या किसी का डायलिसिस चल रहा हो या लीवर काम नहीं कर रहा हो या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिवजी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल को आचमन कर लेना। पर आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से कर उसका आचमन, केवल अशोक सुंदरी के नाम से, क्योंकि शंकर भगवान की 5 लड़कियां गंगा के जल से प्रकट हुई थी और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी नंदनवन में पैदा हुई, जन्म ली थी नंदनवन में, जन्म ली नंदनवन मतलब काशी, मोक्ष नगरी में उसका जन्म लिया। घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो एक लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, चलो। अब किसी ने पूछा, गुरुजी आपने कहा इतनी बजे तक चढ़ाना चाहिए। देखिए कई मंदिरों में पुजारी जनों ने, ब्राह्मणों ने ऐसा नियम बना लिया कि हम इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाना, तो उसके लिए सहज है, अगर वो नहीं चढ़ाने देते तो आप समय के अनुसार चले जाओ। पर
परंतु मेरी शिव कथा तो शिव महापुराण तो कहती है कि शंकर के दरवाजे पर पट नहीं होता, शिव हमेशा अलमस्त होकर बैठा रहता है, जब आओ जब चढ़ाओ। पर अगर कहीं नियम बन गए हैं मंदिरों में तो उसको बना कर रखो, उन नियमों को हमें समाप्त नहीं करना। अगर बन गए हैं तो बनाओ, सुबह जल्दी चले और चढ़ाओ शिव मंदिर। भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन, मैं मरूं ना उसके लिए अंधकासुर ने मांगा, मेरे प्राण ना छूटे वो अंधकासुर कह रहा है। पर वर ऐसा मांग लिया कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन प्राण छूटे। आज अंधकासुर ने कह दिया कि कोई कन्या जिसके साथ मैं विवाह करना चाहता हूं, बड़ी सुंदर कोई हो तो बताओ। देवता गंधर्व सब ने देखो तो कहा जो सबसे सुंदर थी वो हिमालय राज की पुत्री पार्वती जी थी, और उनका विवाह तो शिवजी के साथ हो गया। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। अब कोई नहीं कहा एक काम करता हूं, मैं शिवजी की धर्म पत्नी बन गई तो क्या हुआ, मैं उसको लेकर आऊंगा। चले अंधकासुर, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान देवाधिदेव देव महादेव जा रहे, कहीं पार्वती मैया बैठी हुई थी, अंधकासुर ने आकर देखा पार्वती को, बड़ा बड़ी बड़ी सुंदर है, बड़ी देखिए माता के चेहरे पर, पिता के चेहरे पर जो तेज होता है वो उसके कर्म और भक्ति का होता है। कथा में पहले कहा था, आज फिर कह रहे, क्रीम की चमक कुछ दिन की कुछ महीने की होती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की होती है, आपके जीवन भर रहे। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, और यदि कर्म अच्छा है, यदि कर्म अच्छा तो फिर चेहरा आपका चमकता ही रहेगा। अच्छे कर्म फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये हमारे कर्म की चमक, और वो श्रेष्ठ, आपने जो कर्म करा आपके सम्मुख में वो आएगा। अंधकासुर ने जैसी माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखा, शंकर भगवान को क्रोध आ गया, काल भैरव को प्रकट कर लिया, और भैरव को प्रकट कर अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। पार्वती मैया की आंखों में अश्रु भरा हुआ था, वो अश्रु इस बात का था कि इस पुत्र को मैंने गोदी में खिलाया है, इस बेटे को मैंने गोदी में खिलाया है, और आज यही पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देख लिया। अभी कथा में कहा था, कर्म जो दिया वो मिला, जो किया वो प्राप्त हुआ, बस दिल से जो करा गया उसका फल मिलेगा। एक पत्र में लिखा किसी दिन, ये भी शादी की पत्रिका है, इन्होंने लिखा है, गुरुदेव
मुझे कैमरे के सामने मत खड़ा करना, आपकी बहुत कृपा होगी। खड़े मत होना, पर पत्र लिखा है उसको सुनिए। शिव पूजन कैसे करना चाहिए वो बता दिया आपने। 18 साल से एक एलर्जी शरीर में, गुरुदेव 4-5 साल से मार्च और अप्रैल के महीने में मैं मर मर कर रात दिन बैठी रहती थी, इतनी एलर्जी शरीर के अंदर थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। पिछले साल तो 22 दिन ऐसे गए गुरुदेव कि मैंने अपनी लड़की की शादी नवंबर में रखी हुई थी और मुझे लगता था कि मैं नहीं बचूंगा। फिर भी किसी तरह से रिश्ता बना, सब अच्छा हुआ। गुरुदेव एक महीने की दवाई लेकर रखती थी, खाती थी, फिर भी एलर्जी सही नहीं हो रही थी। गुरुदेव दो दिए का उपयोग बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाकर दो दिए का आपने प्रयोग बताया था, वो मैंने किया और बाबा की ऐसी कृपा रही गुरुदेव कि अब मुझे एलर्जी की दवाई नहीं खाना पड़ रही है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और कथा में मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ, कथा में बैठी हूँ और सारी दवाई मेरी छूट गई है। ये शिव कृपा, शंकर की उदारता। और केवल शिव कृपा नहीं, ये आपके विश्वास का फल मेरा शंकर आपको दे रहा है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास शिव के प्रति जो जागा उसका फल। और कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी और बिल्कुल पक्का विश्वास रखना कि बैसाख महीने की शिवरात्रि के दिन जो जल चढ़ाएगा ये पक्का मेरे शंकर की कृपा उस पर होगी और वो स्वस्थ होगा, ये निश्चित है। वो निश्चित है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करने वाले का बालवा का नहीं हो सकता, शिव की आराधना करने वाले का कभी धोखा नहीं हो सकता। हाँ ये पक्का है, अगर दुनिया का कोई व्यक्ति शिव की आराधना करने वाले के साथ धोखा करता है तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह सकता। ये शिव आराधना कर, कहा आया समय, आगे वर्णन आया भगवान शिव की कथा में। सुंदर प्रसंग आता है महाराज, जब हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भतीजा मर गया, मेरे भतीजे के प्राण छूट गए, मेरा भाई चले गए, हिरण्याक्ष समाप्त हो गया, तब हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और वो तप करने चले गया। तप कर कर आया तो तप करने के लिए जब गया तो वापिस लौट कर आया, उसने वर प्राप्त कर लिया, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू और ना ही मैं नर से मरू ना पुरुष से ना कोई पशु से मेरे प्राण छूटे ना मनुष्य से छूटे और ना ही मैं 12 महीने में मरू, ये तक बर मरू। ये तक बर मरू। तथा कह दिया, घर आ गया, धर्म पत्नी नहीं थी क्योंकि पत्नी के लिए जो गर्भ था उस गर्भ को नष्ट करने के लिए इंद्र ले गए थे, पर देवऋषि नारद ने कहा कि किसी का पति घर में नहीं है और उसकी धर्म पत्नी गर्भ में है और गर्भित बालक को मारना ये तो पाप की बात है, इसमें पुण्य कहां है। इंद्र तुम देवताओं के राज सिंहासन पर बैठे हुए हो, पर करें क्या। रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, ऊंच निवास नीच तर तूती देख न सकहि पराई विभूति।
रामचरित मानस में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि ऊंचे पद पर बैठने के बाद, ऊंचे औहदे पर बैठने के बाद, ऊंची गादी पर बैठने के बाद भी किसी किसी के मन में किसी के प्रति भेदभाव उत्पन्न हो जाता। इंद्र को वो भेदभाव था, और इंद्र को वो भेदभाव जब था तो इंद्र ने सोचा कि इसकी पत्नी गर्भ से है, संतान होगी, वो भी राक्षस होगी, उसको मार देता हूं। तो समझाया देवऋषिनाथ ने, कोई संत होता, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त ही होगा जो आपको समझा सकता। कोई भक्त होगा जो समझाए। कभी कभी धर्म पत्नी भी पति को समझा देती है, और कभी कभी पति भी धर्म पत्नी को समझा देते हैं। ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। और एक बात अपनी जिंदगी में याद रखो, दिमाग कहे वो कभी नहीं करना, दिल कहे वो सब कर देना। दिल की मान, हृदय की, चित्त की वृद्धि की, मन में अगर शिव बैठा हुआ है, हृदय में अगर शंकर बैठा हुआ है, तो वो गलत नहीं करने रहे। पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि अपना सर्वस्व भगवान को मानना पड़ेगा। कि जैसे मीराबाई कहती थी ना, मेरो तो अरे जम के तो बोलो गिरधर गोपाल। हाँ ऐसे बोलते रिया करो। हाँ जिसके पति का नाम गिरधर हो तो मत बोलो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। एक बार हम अब इंदौर कथा करने गए, वहां हमने आरती गा दी, जय जगदीश। अरे हम मन है ये तो कभी भी गा दो, हमने कथा में ही आरती गा दी, जय जगदीश। अरे पास में एक अम्मा आरती उतार रही थी, अभी तक खड़े होकर रोज शंकर जी की आरती गाती थी, आज हमने जैसे ही जगदीश की गाई तो उसने नी गाई। अब नी गई तो हमारा मन दुखा, तो हमने बाद में पूछ लिया, क्यों रीमा, हम बोल रहे जय जगदीश, अरे तू बोल रही कल्लू के पिताजी हरे, ये कोई तरीका होता? अरे गुरुजी मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ, मैंने कहा तुम्हारे पति का नाम जगदीश है। तुमने कहा ठीक है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहले का समय था ना, अब आज का समय हो तो, आज के समय में तो लोग बहुए इतनी होशियार, तुरंत चिल्ला के देती, ए बलवीर इधर बेचारा तुरंत, और वो भी बेचारा आके खड़ा हो तो हाथ जोड़ के बोल जगदम्बा, उसको भी घबराहट होने लगती, क्या मतलब क्या बोलने वाली है। अब महाराज जी शिव कथा कह रही है, हिरण्यकशिपु आया, धर्म पत्नी के गर्भ से संतान हुई, जो देवऋषि नारद ने जिसको ज्ञानवान बना दिया। गर्भ का ज्ञान इतना प्रबल ज्ञान दिया कि वो बालक कहीं डोलता ही नहीं, कहीं भी